मिलित अधिवेशन अभिभाषण रखिंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रश्नपत्र लीक मामला ठार आरंभ कर काश्मीर निर्वाचन पर्यंत प्रसंग उठाई महामहिम। पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। प्रश्नपत्र लीक मामलें राष्ट्रपति कहते दोषी को कठिन दंड मिल ए मामलार तदंत लगे मो सरकार प्रतिबद्ध। प्रश्नपत्र लीक रोकने को सरकार कड़ा आईन आनी मामलार निरपेक्ष तदंत हो परीक्षा परिचालन जड़ित संस्था संस्कार उद्यम करा जाउछि। तबे राजनीति ठारु दूरै रही मामलार टिप्पणी देबाकु परामर्श देइछन्ति राष्ट्रपति। हाल ही में कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। हमारे पहली भी इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। नवनिर्वाचित सांसद मानक स्वागत जनवा सहित भारतीय निर्वाचन कमिशन को धन्यवाद जन राष्ट्रपति। देश में पुणि थे स्थिर और बहुमत सरकार गठन हो देश में दस वर्ष सुशासन लोगों को मोहर बोली से लाया जाएगा। भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। काश्मीर में होते रिकॉर्ड मतदान कथा मन पकाई थे राष्ट्रपति। कहते एथर काश्मीर में रेकर्ड संख्यक वोटिंग विगत चार दशक वोटिंग प्रतिशत कम रोला। भारत शत्रु मैंने कहते हैं काश्मीरवासी मत कि बास्तवता कौन निर्वाचन में प्रतिपादित हो। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू काश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। अर्थनीति रे देश विश्वर पंचम स्थान को उन्नीत होई देशर अभिवृद्धि हार 8% रही। विश्व अर्थनीति रे भारत तृतीय स्थान रे किपरि पहुंचिबो से नै प्रयास जारी रही। विश्व रे सब क्षेत्र रे भारत नेतृत्व नेउची। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मो सरकार गुरुत्व देउची बोली कहचंदे राष्ट्रपति। हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें, यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। आगामी बजेट रे ऐतिहासिक पदक्षेप देखा मिल समस्त विकास द्वारा ही एक विकसित भारत संभव हो। गरीब चाषी महिला युववर्ग विकास ध्यान दि जा मो सरकार आरंभ एमएसपी वृद्धि करी खाता को 20,000 कोटी टंका ट्रांसफर कर देशर 25 कोटी नागरिकों गरीबी दूर करी मो सरकार।
3 कोटी महिलांकु लक्ष्यपति दीदी करिबाकु व्यापक अभियान होईछि। आजि 80 कोटी लोकंकु मागणारे राशन जोगा जाउछि बोली कहिछन्ति राष्ट्रपति। कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए। प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा प्रयास जारी रही। यूपी तमिलनाडु में 2 डिफेन्स कॉरिडोर होगी। 1 रैंक 1 पेंशन नीति लागू करा जाएगी। 70% प्रतिरक्षा उपकरण देशर विभिन्न कंपानी किणा जाइछि। प्रतिरक्षा क्षेत्र में हाल पूर्व अपेक्षा अधिक मजबूत होइछि। मो सरकार उपरे लोके तृतीय थर भरोसा करछन्ति। राज्यर विकास रे देशर विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण समाप्त हुआ। एही विश्वास रे आगु बढ़िबा बोली तंका अभिभाषण रे कहिछन्ति राष्ट्रपति। ब्यूरो रिपोर्ट जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।